नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें। मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। खबरों में बढ़ने से पहले, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन लगातार लोकतंत्र की रक्षा के लिए खुले तौर पर भाजपा से मुकाबला कर रहा है, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली और सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने आवास पर पहुंचे। 140 करोड़ लोगों को एक साथ आकर के तानाशाही को हराना होगा, आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है, ये कहना है सीएम केजरीवाल का। और वहीं अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली में अपना पहला रोड शो करते हुए नजर आएंगे। इतना ही नहीं, अब आक्रामक होगा आम आदमी पार्टी का चुनावी प्रचार। केजरीवाल की रिहाई के बाद चढ़ेगा दिल्ली और देश का सियासी पारा। आगे खबर में जानेंगे कि किस तरह से अब बीजेपी की सीटें घटती हुई नजर आ रही हैं, किस किस राज्य में सीटें घट रही हैं, आगे जानेंगे खबर। लेकिन पहले आप लोगों को यहां पर बताते चलें, राहुल गांधी से एक कार्यक्रम में सवाल किया गया, जस्टिस लोकुर और अन्य ने आपको प्रधानमंत्री से डिबेट का न्योता भेजा है, क्या आप तैयार हैं? इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया, मैं 100% किसी से भी डिबेट करने के लिए तैयार हूं, पर मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। ये यहां पर राहुल गांधी ने देख सकते हैं कि न्योता स्वीकार किया है, और उनका यह भी कहना है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि मोदी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके साथ में डिबेट कर पाए। ये यहां पर खबर आई है। आप लोग राहुल गांधी की बात से सहमत है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका में नफरत फैलाने वाले भाषणों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य उम्मीदवारों के खिलाफ में FIR दर्ज करने की मांग की गई है। ये यहां पर देख सकते हैं खबर आई है। एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं, जहां पर बताते चले बीजेपी को इस बार के चुनावी नतीजों में लग सकता है बेहद ही बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की बड़ी हार हो सकती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आंकड़े ही चौंकाने वाले हैं। भाजपा की सीटें कहां कहां पर घट रही हैं, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र में 20 से ज्यादा सीटें हार रही है बीजेपी, पिछली बार की तुलना यहां पर की गई है इन आंकड़ों की। यूपी में 20 से ज्यादा सीटें यहां पर हार रही है बीजेपी, कर्नाटक में 15 प्लस सीटें हार रही है भाजपा, बिहार में 10 से ज्यादा सीटें हार रही है भाजपा, पश्चिम बंगाल में 10 से अधिक सीटों का नुकसान हो रहा है बीजेपी को, राजस्थान में 8 प्लस सीटें हार रही है बीजेपी, गुजरात में 6 से ज्यादा सीटें हार रही है बीजेपी, हरियाणा में 6 प्लस सीटें हार रही है, झारखंड में 5 प्लस सीटें हार रही है, छत्तीसगढ़ में 5 प्लस सीटें हार रही है बीजेपी, असम में 4 प्लस सीटें हार रही है, दिल्ली में 3 प्लस सीटें हार रही है, और जो शेष भारत है उसमें 25 से ज्यादा सीटें भाजपा हारती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर के बीजेपी कम से कम 135 प्लस सीटों से नीचे जा रही है, और मोदी के बैक टू बैक सेल्फ गोल सबसे बड़े एग्जिट पोल नजर आ ही रहे हैं। पीएम मोदी ने 10 सालों में पहली बार अडानी अंबानी का नाम लिया है सार्वजनिक तौर पर। इन आंकड़ों में कोई भी किंतु परंतु है ही नहीं, बीजेपी इस सदी की सबसे बड़ी हार के कगार पर है, और अब यहां पर बीजेपी को उसके मित्र भी बचा नहीं सकते हैं, ये रिपोर्ट में दावा किया गया है। दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी के नेताओं की जो बौखलाहट है वो तो आपने भाषणों में सुनी ही होगी, लेकिन अब यहां पर कई रिपोर्टें भी सामने निकल के आ रही है, जिसमें बीजेपी की 135 से ज्यादा सीटें घटती हुई नजर आ रही है। RSS के ही सर्वे में यहां पर कुछ दिन पहले आया था, जिसमें बीजेपी की 100 प्लस सीटें घट रही थी, और अब यहां पर बीजेपी को तगड़ा नुकसान हो रहा है लोकसभा के चुनाव में। आप लोगों की क्या कुछ राय है, किस गठबंधन की सरकार बन सकती है लोकसभा के चुनाव में, या आप लोग किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर ही। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, बताते चलें,
राहुल गांधी ने कर दिया है बड़ा खुलासा। ईडी ने मुझसे 55 घंटे पूछताछ की थी। मैंने ईडी के लोगों से कहा, आप गलतफहमी में हैं कि आपने मुझे यहां पर बुलाया है। सच्चाई तो ये है कि मैं खुद यहां पर आया हूं। मैं देखना चाहता हूं कि वे कौन से लोग हैं जो हिंदुस्तान में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये यहां पर कहना है दोस्तों राहुल गांधी का। यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए तो अब यहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही उन ईडी अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है जिन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी के दबाव में काम किया है, बदले की राजनीति की है और उसमें भाजपा का साथ दिया है। क्योंकि ईडी, सीबीआई और आईटी ये ऐसी संस्थाएं हैं जो पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी के भी पक्ष में नहीं होनी चाहिए। ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं, लेकिन पिछले 10 सालों के दौरान इन पर दबाव साफ तौर पर देखा गया है, बदले की राजनीति की जाती है। आप लोग सहमत है राहुल गांधी के बयान से या नहीं, कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में बता सकते हैं। इसके साथ ही बड़ी खबर आ रही है, आप लोगों को बताते चले। चुनाव आयोग से मिलने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ कहा है बताते चले। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे। हम सभी चुनाव आयोग से मिलकर के आए हैं और अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा है कि इनमें मुख्य मुद्दे हैं वोटर प्रतिशत के प्रकाशन में 11 दिन की देरी नहीं हो सकती या नहीं होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा चिंताजनक बात वोटर प्रतिशत में वृद्धि होना है। अगर इसे तुलनात्मक रूप से 2019 के चुनावों से देखें तो इन आंकड़े इतनी वृद्धि नहीं पाई गई है। अगर आंकड़ों का प्रकाशन जल्द हो जाए तो अटकलें नहीं उठेंगी। इसके साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा है कि हमने ये शिकायत काफी दिन पहले की थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि चुनाव आयोग ने उसका जवाब आज हमारी मीटिंग से थोड़ी देर पहले ही अपलोड किया है। हमने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ में 11 शिकायतें की थी, लेकिन उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, इसलिए हमें इस पर जल्द ही जवाब चाहिए चुनाव आयोग से। ये कहना है वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी का चुनाव आयोग से मिलने के बाद में। इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता भी मिले हैं। इसके साथ ही झारखंड से खबर आ रही है, जहां पर बताते चले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट से जो आज आदेश आया है उसका हम स्वागत करते हैं और हम बहुत खुश हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे हेमंत सोरेन भी हमारे साथ झारखंड के चुनाव प्रचार में अपना सहयोग दे सकेंगे। हम बस उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। ये कहना है कल्पना सोरेन का। इसके साथ ही खबर आ रही है, कोर्ट ने ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए हैं, पर्याप्त सबूत हैं, ब्रजभूषण की मुश्किलें बढ़ गई हैं किसी भी वक्त। अब यहां पर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी भी देखने को मिल सकती है। महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने बीजेपी के नेता ब्रजभूषण के खिलाफ में आरोप तय किए हैं। हाल ही में ब्रजभूषण ने कहा था कि उसको यहां पर बीजेपी का पूरा समर्थन प्राप्त है, अगर समर्थन प्राप्त ना होता तो उसके बेटे को बीजेपी टिकट नहीं देती। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए दोस्तों, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नया है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।